सही, मैं जान सकता हूँ कार को बंद कराने का रीजन आपका, क्यों बंद सर कराना मैं चाहते हैं आप? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अभी कोई रीज़न मुझे ना पूछा जाए, क्योंकि मैं सर अभी 10 बार रीज़न वही बता चुका हूँ। बार बार रीज़न पूछते फिर वही हो जाता है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि सर मेरे पास मल्टीपल कार्ड है, इसलिए मैं इसको कैरी नहीं करना चाहता, प्लीज़ बंद करवा दीजिए, रिक्वेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराज टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है या आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह क्रेडिट कार्ड के भी दो पहलू है, नफ़ा और नुकसान। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं और फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके फ़ायदों के बारे में। तो पहला फ़ायदा है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको कैशबैक मिलता है। आपने देखा होगा जब भी आप जो ऑनलाइन साइट्स वगैरह है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह है, वहाँ से अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र दिखाया जाता है कि अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड के द्वारा बाय करते हैं तो आपको कितना कैशबैक वहाँ पे मिल जाता है, वो आपको वहाँ दिखाया जाता है। नंबर दो बात है दोस्तों, इमरजेंसी यूज़। मान लीजिए दोस्तों आप सैलरी होल्डर पर्सन हैं तो आपका जो सैलरी है लगभग 20 तारीख के आसपास ख़त्म हो जाता है और आपको और 10 दिन निकलने होते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, उस समय आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। क्रेडिट कार्ड आपको लगभग 50 दिन का लिमिट देता है, आप 50 दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको इमरजेंसी में किसी को पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके जो आपकी इमरजेंसी है उसको नीड को ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों, अभी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान की। सबसे बड़ा आपका नुकसान जो है वो है अगर आप पेमेंट उसका टाइम पे नहीं करते हैं तो लगभग आपको 34% के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। नंबर दूसरा नुकसान है दोस्तों, अगर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे ऑटो डेबिट की सुविधा उपलब्ध है और आपका जो ऑटो डेबिट बाउंस हो जाता है तो आपको उसमें बहुत सारा ऑटो डेबिट बाउंस चार्ज लगाया जाता है, उसके साथ साथ बाकी भी चार्जेस आपको लगाए जाते हैं। अगर आपका पेमेंट लेट हो जाता है, आप पेमेंट लेट करते हैं, ऑटो डेबिट आपको लग जाता है, ऑटो डेबिट बाउंस आपको लग जाता है, काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, तो इसके कारण जो आपका सिबिल स्कोर हो जाता है वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। ये भी एक सबसे बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड का। तो दोस्तों, हमने जो कुल मिला के कुछ मेन मेन टॉपिक्स थे, फ़ायदे नुकसान उनकी बात की है आपको, अभी हम आपको बताएंगे सावधानियाँ, आपको अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा कि पहली बात आपको इसको यूज़ ही नहीं करना है। अगर आप करते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पेमेंट टाइम पे करेंगे और बिल्कुल इमरजेंसी पड़ने पर ही उसको यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप शॉपिंग करने चले गए, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी होता है तभी यूज़ करना है और पेमेंट समय पे करना है। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑटो डेबिट की जो सुविधा है आपकी, उसको आपने एक्टिवेट नहीं करना है, उसको हमेशा बंद रखना है, आपने मैन्युअली पेमेंट करना है। बाय चांस मान लीजिए कि आपका ऑटो डेबिट एक्टिवेट है और आपने पेमेंट समय पे नहीं किया है, आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं, उतना सफिशियंट बैलेंस नहीं है, तो आपको ऑटो डेबिट बाउंस के काफ़ी सारे चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि आप भरना आपको मुश्किल हो जाएगा पेड करना। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि जिस भी बैंक का आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज़ नहीं करना है गलती से भी। जैसे कि मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा, मेरा SBI बैंक में अकाउंट है और मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो भी SBI बैंक का था, तो उसमें ऑटो डेबिट की जो सुविधा है अपने आप एक्टिव हो जाती है, जिसके चलते मेरा जो सिबिल स्कोर है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दोस्तों, मैंने लगभग 1 साल यूज़ किया है SBI क्रेडिट कार्ड, तो मैंने 1 साल में नोटिस किया कि जो SBI आपका क्रेडिट कार्ड है आपको काफ़ी सारे हिडन चार्जेस वगैरह लगाता है। मान लीजिए आपने कोई शॉपिंग किया 1,000 रुपये का, तो आपको 1,000, 1,200, 1,300 तक वो चार्जेस वगैरह लगाता है। मेरा दोस्तों हाल ही में एक पेमेंट करना था, मैंने 26 सितंबर 2022 को मेरा ड्यू डेट था 1,595 रुपये का, 1595 का, तो मैं उसको 26 सितंबर को ना करके मैंने उसको 30 सितंबर को किया, मतलब 4 दिन लेट किया।
1555 रुपीज़ मान लीजिए राउंड फिगर में आप 1600 रुपये, तो 1600 रुपये का लेट फीस, ऐटो डेबिट बाउंस फीस सब मिला के दोस्तों 1500 के ऊपर, 1555 के ऊपर 1300 रुपये मुझे चार्जेस लगाए गए। आप सोच सकते हैं कि ये कितने गुना हो गया है, 1595 रुपये के ऊपर 1300 रुपये चार्जेस लगाए गए दोस्तों, आप सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने कस्टमर केयर से बात किया कि भाई मेरा जो पेमेंट डेट था वो 26 सितंबर था, लेकिन कुछ मनी प्रॉब्लम के चलते मैं 26 सितंबर को नहीं कर पाया और 30 सितंबर को मैंने किया है, तो आपने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं, ये कैसे लगाए? तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, ऐटो डेबिट बाउंस चार्जेस वगैरह, और इसके अलावा काफ़ी सारे चार्जेस मुझे बताए गए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है आपको रिफंड कर देंगे, हम 1300 तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको 500 रुपये हम रिफंड कर देंगे, और रिफंड वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, जो आपका बिल जनरेट होगा नेक्स्ट मंथ का, उस बिल में आपका जो बिल बनेगा उसमें 500 रुपये कम होकर वो जनरेट होगा बोला था। तो जब मैंने 6 अक्टूबर को मेरा बिल बना तो मैंने उसमें देखा, उसमें माइनस तो 500 नहीं था लेकिन 240 और एक्स्ट्रा ऐड होके आया था। तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया कि भाई आपने जो मुझे बोला था कि आपका हम 500 रुपये रिफंड कर देंगे, तो वो तो कम नहीं हुआ, उल्टा मुझे 250 रुपये ज़्यादा लगा है, 246 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लगा है। तो उन्होंने जिस कस्टमर से मेरी बात हुई थी, जिस कस्टमर ऑफिसर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था रिफंड आपका हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार जब कॉल किया तो दूसरे व्यक्ति ने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं वो आपको रिफंड नहीं किए जाते हैं एज़ पर पॉलिसी, तो आपको ये भरना ही होगा और ये रिफंड नहीं होता है। तो मैंने उनसे बात किया कि आपने से पहले जो मैंने बात किया था उन्हें तो मुझे ये बोला था कि आपका रिफंड हो जाएगा, उन्होंने साहब मना कर दिया ऐसा नहीं होता है बोला। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई मुझे जो कार्ड है मेरा बंद करवाना है, मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता मैं, आप इसको बंद करवा दीजिए। तब उन्होंने जो दोस्तों मेरा कॉल था वो डिस्कनेक्ट कर दिया, जब मैंने नाम लिया कार्ड बंद करने का तो उन्होंने मेरा कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने दोबारा कॉल किया और दूसरे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से मैंने बात की, उनको मैंने बता दिया कि जो मेरा कार्ड है मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं उसको बंद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कार्ड इशू कराना, कार्ड लेना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उसको बंद कराना है। जो मेरी कस्टमर एग्जीक्यूटिव के साथ बातचीत हुई थी सारा मैंने यहाँ पे अटैच करूँगा, मैं उसका कॉल रिकॉर्डिंग अटैच करूँगा, आप उसको सुन सकते हैं कि उनके बीच मेरी, उनके और मेरे बीच क्या क्या बातचीत हुई है। तो जब मैंने दोस्तों कार्ड बंद करने की बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो एनुअल फीस है हम उसको भी माफ़ कर देंगे, जो सालाना आपके चार्जेस लगते हैं कार्ड यूज़ करने के वो भी हम आपका माफ़ करवा देंगे, और जो आपको 1300 रुपये कटा है वो भी हम आपको रिफंड कर देंगे। 1300 तो ये हो गया दोस्तों, लेकिन पिछले महीने भी मेरा कुछ बाउंस हुआ था पेमेंट, उसका भी मेरा 1700 रुपये था, कुल मिला के 3000 के आसपास मेरा जो चार्जेस उन्होंने एक्स्ट्रा काटे थे वो भी उन्होंने रिफंड करने की बात की। तो मैंने उनसे बोला कि यार आप लोग खाली प्रॉमिस करते हो लेकिन रिफंड देते नहीं हो, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो कार्ड है उसको आप बंद करें। तो दोस्तों काफ़ी हमारे बीच बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इनसे बाद में झूठ बोला कि मेरे पास अदर बैंक्स के कार्ड है इसलिए मैं इसको, जो आपका SBI का कार्ड है उसको मैं कैरी नहीं करना चाहता, उसको मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप लोग बाकी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, भाई ज़बरदस्ती थोड़ी हमारे ऊपर किसी की, हम कोई भी बैंक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब समय मेरा लिया, जब भी मैं बात करता था कार्ड बंद करने की कॉल डिस्कनेक्ट करते थे, बात नहीं करते थे। काफ़ी बारी मैंने बात किया, 10 से 12 बार मैंने बात किया, कॉल किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है मेरा कार्ड बंद किया। लेकिन बंद करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, काफ़ी बार मैंने बात किया, काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। क्रेडिट कार्ड वाले आपने देखे होंगे दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन वगैरह करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, ये करो वो करो, तो जो बना बनाए कस्टमर वो छोड़ना नहीं चाहते, तो मुझे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरा कार्ड बंद किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कंपनी का करें जिसमें आपका बैंक अकाउंट ना हो, और सारी बातें पहले क्लियर करें, कितने चार्जेस वगैरह लगते हैं सारी बातें ध्यान में रखें तभी यूज़ करें, नहीं तो क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट खाली कर देगा पूरा।
intelligent personified, Ella, empowered with enhanced self-service functionality, kindly log on to chatbot at sbicard.com and experience the change. हेलो नमस्कार. हाँ जी नमस्कार सर. जी मैं इससे क्रेडिट कार्ड से जुनेद बात कर रहा हूँ. सीनियर डिपार्टमेंट से. क्या मेरी मेरी बात गजानंद जी से हो रही है? जी जी सर जी बोलिए. जी 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 सर धन्यवाद. बताइए मैं आपकी सीनियर डेस्क से किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? गजानंद जी सात आठ बार कॉल कर चुका हूँ सर इसके पहले भी. हर बार मैं पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देता हूँ, पूरी अपनी जानकारी देता हूँ और यह कॉल मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफर भी हो जाता है. 30-32 मिनट तक बात हो जाती है और बीच में कॉल कट हो जाता है. ठीक है बार बार इसे मैं अभी 10 बार कॉल कर चुका हूँ. मैं अभी देख सकते हैं आप 12 बजे से कॉल पे लगा हूँ, इसी काम में लगा हूँ. जी जी मुझे कार्ड सर मुझे बंद करवा देना. ओके बिल्कुल. मैं जान सकता हूँ कार को बंद कराने का रीजन आपका? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर अभी कोई रीजन मुझे ना पूछा जाए, क्योंकि मैं सर अभी 10 बार रीजन वही बता चुका हूँ. बार बार रीजन पूछते फिर वही हो जाता है. लेकिन फिर भी चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि सर मेरे पास मल्टीपल कार्ड है, इसलिए मैं इसको कैरी नहीं करना चाहता. प्लीज बंद करवा दीजिए, रिक्वेस्ट है. और बाकी अभी मुझे सब बता दिया उन्होंने, काफी सारे फायदे नुकसान बता दिया बंद करने के, लेकिन वो मैं सुन चुका हूँ. वो प्लीज आप रिपीट मत कीजिए. ओके मैं डिटेल चेक करके जरूर से ट्राई कर पाऊंगा. बिल्कुल निश्चित रीजन. ठीक है जी जी. मतलब मल्टीपल अकाउंट होने की ठिकाने आपको ये कार्ड को बंद कर देना है ना? जी जी जी. ठीक है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ SBI कार्ड आप हमारा एक ही कार्ड यूज कर रहे हैं. अदर कार्ड बोला मैंने सर, अदर कार्ड बोला है. मल्टीपल कार्ड मेरे पास है इसलिए मैं इसको बंद करना चाहता हूँ. अदर बैंक के कार्ड यूज कर रहे हैं तो हम जान सकते हैं कि अदर बैंक के कार्ड की यूज कर हमारे कार्ड को क्यों यूज नहीं कर रहे? ठीक है ठीक है ठीक है मैं आपकी डिटेल चेक कर देता हूँ. बिल्कुल निश्चित. क्या दो मिनट के लिए होल्ड रखते हैं आपकी कॉल को? सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर देंगे. कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद. जी जी बोलिए सर. 15 को जी आप बिल्कुल निश्चित थे. मैंने आपका सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली. ठीक है थोड़ा टेक्निकल इश्यू के रिगार्डिंग थोड़ा ज्यादा एक मिनट ज्यादा हो गया ना आपका होल्ड पे, समझ आ रहा है? ठीक है डिटेल मैंने आपकी सारी चेक कर ली है. जैसे आपका यूसेज भी, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर रहे है ना, काफी टाइम से यूसेज करें, 2021 से एक साल होने का आपके कार्ड के लिए. और 23,000 का 23-25 हजार तक का आपने अप्रोक्सीमेट खरीदी भी किया हमारे कार्ड पे ना, तो सबसे पहला तो मैं जान सकता हूँ कि आप वैसे भी कार्ड यूसेज कर ही रहे अदर बैंक के, मतलब यूज कर रहे हैं ना अभी. सर प्लीज सुनिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे. मैं 8 से 10 बार कॉल कर चुका हूँ मैं, फिर बीच में सर कॉल कट हो जाता है. तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज वो बाकी बातें छोड़ दीजिए, मेरा सब बातें हो चुकी है ऑलरेडी. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा रहता है तो कॉल बैक कर लेंगे हम आपको. ठीक है मैं आपको कॉल बैक सामने से कर लूंगा, मैं बता तो रहा हूँ आपको. ठीक है सीनियर डेस्क से बात कर रहा हूँ मैं. आप बिल्कुल निश्चित दीजिए, जरूर से सही की जाएगी. बट आप बता ही रहे कि सारी कंपनी का आप कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें इतना बताइए कि हम आपको ऐसी तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सके जिससे आप हमारा कार्ड कंटिन्यू रखेंगे? नहीं सर वो ऑलरेडी मेरे पास कार्ड है सर, तो इसलिए मैं ज्यादा कार्ड नहीं रखना चाहता सर. ज्यादा हो गए कार्ड तो इसलिए मैं नहीं रखना चाहता. हाँ बट ज्यादा कार्ड SBI का देखिए, अगर मान लीजिए कि SBI के आपके पास 2 या 3 कार्ड होते, 2 कार्ड होते तो उसमें से एटलीस्ट एक कार्ड बंद कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं. बट आपका हमारा एक ही कार्ड यूज कर रहे हैं और उसको भी आप बंद कर रहे हैं, तो मतलब सामने वाला दूसरा कोई कार्ड आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसी तो कौन सी सर्विस आपको हम प्रोवाइड करें जिससे आप हमारे साथ जुड़े रह सके. फीडबैक के तौर पर बताइए. नहीं कोई ना बताइए, मैं बता दिया आपको कि बस मल्टीपल कार्ड, बाकी कोई इशू नहीं है, बस मल्टीपल कार्ड का इसे मल्टीपल. हाँ तो हम भी देखिए मल्टीपल कार्ड होने की वजह से आप हमारे बैंक का क्यों बंद कर रहे हैं, हम ये जान सकते हैं कि दूसरे बैंक का बाकी में ऑफर वगैरह मुझे 90,000 तक मुझे इसमें मिल रहा है. बाकी मैं ICICI का मेरे पास है उसमें 90,000 मिल रहा है, उसमें मेरा 20,000 चल रहा है, तो उसमें मुझे ज्यादा मिल रहा है. अच्छा लिमिट के रिगार्डिंग आपकी लिमिट ये इशू बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि आप बोलेंगे कि हम बढ़ा देते, ये नहीं है. बस वो हो गया लिमिट, उसमें ऑलरेडी मुझे ज्यादा मिल रहा है तो बस ठीक है. ये आपने बोला रीजन कोई बता दीजिए, तो मैंने आपको रीजन बता दिया वैसे. ओके ओके तो आप लिमिट नहीं, बट हम आपको जो जो बताएंगे हम आपके यहाँ से हो सकेगा उतना जरूर से आपकी सहायता करेंगे ना. मैं सीनियर डेस्क से बात कर रहा हूँ और यहाँ से जैसा कि मैं देख पाया आपको हमारे वैसे कुछ चार्जेस के एप्लीकेबल हुए थे, हमें आपको यहाँ से सीनियर डेस्क से सारे चार्जेस एक ट्रांजेक्शन के सभी आपको रिफंड भी करा दूंगा. नहीं नहीं सर, बस एलिजिबल कस्टमर होने के नाते
आपने इतना बोला सर मेरे लिए बहुत है, प्लीज थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता, बस आप रिफंड मत करवाइए अभी, बस आप बंद करवा दीजिए प्लीज। हाँ बट देखिए आप बंद कराने से अच्छा है अगर झूठे रहेंगे ना, आपको मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ फिर लास्ट में बेहतर रीजन आप ही का रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। सुनिए सर, मैं आपको बता चुका हूँ कि 30-32 मिनट मेरी लगभग हर बार बात हो चुकी है, और कम से कम 10 से 12 बार मेरी अभी बात हो रही है, 8 से 10 बार बात हो रही है, तो ये सारे एंगल पे मैंने बात कर चुका हूँ कि इसके रीजन क्या है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, सर इस बारे में मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी, प्लीज आप वो मत बता, रिक्वेस्ट है आपसे कि वो बात आप मत छेड़िए, प्लीज बंद कर दीजिए, बस प्रोसेस कीजिए। और लास्ट में बातों में बात होती थे लेकिन बीच में ही कॉल कट हो गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा अगर ऐसा रहता है तो, कॉल अगर कोई भी टेक्निकल इशू रहता है मैं सामने से कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं सीखिए इसके लिए वाले, ठीक है। और देखिए मैं आपको यहाँ से 850 रुपए लेट पेमेंट ही प्लस 500 रुपए एनएसएफ प्लस 500 रुपया आपका बाउंस चार्जेस है, सारे चार्जेस मैं आपको रिफंड करा दूंगा, आपको 2000 से 2500 रुपए तक आपको बेनिफिट हो जाएगा हमारे ओर से टोटली, तो ये आपको 2500 रुपया कम नहीं होता है ना, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा अगर मान लीजिए कि अगर नहीं कंटिन्यू रखेगी तो आपका एक तरीके का लॉस ही है ना, 2500 रुपए में अभी फोन कॉल रिफंड करा दूंगा, फोन कॉल रिक्वेस्ट दे रहा हूँ आपकी सर, प्लीज सर सुनिए प्लीज। हाँ अब मैं प्लीज के अलावा रिक्वेस्ट है और इससे कोई बेटर शब्द मेरे पास नहीं है, मैं बता इतना ही बोल सकता हूँ आपको कि रिक्वेस्ट है आपसे कि बस प्लीज बंद करवा दीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, मैं बंद करा दूंगा, मैं अभी बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं बंद करने से मना नहीं कर रहा आपको, बस बस सर वही है क्योंकि बाकी टॉपिक से मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी, बट इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आप ऑलरेडी ऐसा तो है, अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड यूसेज ही नहीं कर रहे ना, हम समझ सकते हैं, तो आप ऑलरेडी कार्ड यूसेज कर रहे हैं और दूसरे बैंक सभी बैंक का यूसेज कर रहे हैं, अब हमारी बैंक का बंद करा रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो होगा ना, कोई ना कोई तो दिक्कत हुई होगी इसलिए हमारे कार्ड बंद कर रहे हैं, सब बताइए। हाँ बता दिया सर मैंने कि मेरे पास कार्ड वगैरह ज्यादा, आपने देख रखा है ऑलरेडी, देखा है मेरे कि मेरे टैक्सेस लगे, काफी सारे फाइन्स वगैरह लगा है, ताकि मैं पेमेंट टाइम से नहीं किया इसलिए मुझे टैक्सेस लगे हैं, तो मान लीजिए दोबारा अगर टैक्स लग जाए फिर कोई फायदा है, ज्यादा मैं कार्ड यूज करूंगा, मेरे पास ज्यादा कार्ड है, नहीं सुनिए आपको नहीं लगेगा, सुनिए सर सुनिए, मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है, तो मैं मेरे पास कार्ड है मैं यूज करूंगा, टाइम से पेमेंट नहीं हो पाएगा, फिर आप फाइन लगाएंगे, फिर कोई फायदा है बताइए, तो इसलिए चाहता हूँ कि भाई बंद कर दो, अभी तक के रिफंड सब जो चार्जेस है एक ट्रांजेक्शन के सब रिफंड कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं आपको तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ ना, ताकि आपको और लॉस ना हो, आपकी देखिए सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, आपको फ्यूचर में नहीं लगेगी चार्जेस, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं होगी इसलिए मैं भी चार्जेस लग गया, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप थोड़ी हर साल आपको लगेगा सारा इन्फॉर्मेशन सारा था मेरे पास, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे पेमेंट करने के लिए तो मैं नहीं कर पाया सर, वही बात है, फिर मैं पैसे नहीं कर पाऊंगा, फिर आप लगाएंगे फिर कोई फायदा नहीं उसका है ना, आप फिर फाइन लगेगा फिर मैं दे नहीं पाऊंगा, फिर कोई फायदा नहीं है ना, बट आपको जो घरेलू जो डेली यूसेज में आता है वही ट्रांजेक्शन कीजिए हमारे कार्ड पे, जितना आप पेमेंट कर सकते हैं, और बाद में अगर नहीं होता है पेमेंट आपका ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं आप, हमारे ईएमआई का भी ऑप्शन रहता है ना, अगर ऐसा हो पेमेंट नहीं कर सकते तो ईएमआई कर लीजिए, सुन लीजिए सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बोल रखा हूँ ऑलरेडी कि मुझे सर फिर वो बात को घुमा के कोई फायदा नहीं है सर, एक ही बात को अगर आपको 4 बार बोलना पड़े फिर उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे बंद कर दीजिए बस, बट इसका अभी जो रिफंड मिल रहा है इस रिफंड का बेनिफिट नहीं, 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 प्लीज, प्लीज, नहीं चाहिए, अगर आपका एनुअल चार्ज भी लगने वाला है उसका भी एडवांस में रिफंड दे रहा हूँ मैं आपको, सब सुनिए वो मुझे नहीं चाहिए, जो रिफंड वगैरह है आप मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आपका जो रिडीम का है आप प्लीज रिक्वेस्ट आपसे करवा सकते हो, आपके आपके अकाउंट में कीजिए, हमें नहीं चाहिए प्लीज, क्योंकि बात को घुमा फिरा के फिर आप वही बात बोलेंगे, फिर मैं बात घुमा फिरा के वही बोलूंगा, कोई फायदा नहीं है, तो अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपका बेनिफिट, देखिए यहाँ से हम आपको बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं, अगर आप जुड़े रहते तो बेनिफिट हो जाता, कोई नहीं, आपको अगर नहीं रखना है ना कार कंटिन्यू तो हम आपकी प्रोसेस करा देते हैं क्लोजिंग के लिए, रिक्वेस्ट आपसे कर देते, अगर आप सर्विस से जुड़े नहीं रहते हैं ना तो मैं आपकी सहाय नहीं कर पाऊंगा फिर रिफंड के रिगार्डिंग, नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सर, रिफंड नहीं चाहिए प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है, लाइन बोले जी, ओके आपके कार्ड में अभी 2200 रिवॉर्ड पॉइंट है, वो देख लिया सर मैंने, देख लिया मैंने वो जाने दीजिए प्लीज, नहीं मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कार्ड आपका बंद हो चुका है ना, बंद कर दिया मैंने, 30 दिनों के अंदर ये चले जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, तो आप इसका यूज कर लीजिएगा 30 दिनों के अंदर, जाने दीजिए सर कोई फायदा नहीं यूज करके, जाने दीजिए प्लीज, कोई नहीं, ठीक है, लाइन तो बता दीजिए, ओके।
तो दोस्तों ये था मेरा 1 साल का क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप कुछ समझदार है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी आप अपनी सेफ्टी रखें, सावधानियां बरतें यूज़ करते समय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको देखने को मिले। और आपके भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे मेरी तरह तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।